हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ रवीश। और हम बात करते हैं इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड में भारत को खेलना है प्रैक्टिस मैच। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया का विकेटकीपर कौन हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वहीं रिद्धिमान साहा आइसोलेशन में। ये पूरी खबर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया का विकेटकीपर कौन होगा। इंग्लैंड दौरे में टीम इंडिया एक नई परेशानी में है, और वो परेशानी है खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हैं और प्रैक्टिस मैच में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। ऐसे में विकेट कीपिंग को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। आज हम आपको इस वीडियो में इसी समस्या के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वहीं कोरोना से संक्रमित टीम के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट दयानंद गार्नी के संपर्क में आने से बैकअप विकेटकीपर रिद्धिमान साहा भी आइसोलेशन में हैं। ऐसे में प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया का विकेटकीपर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर है। यहां अगस्त सितंबर में उसे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इससे पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई, टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हो गए, वहीं बैकअप विकेटकीपर रिद्धिमान साहा भी आइसोलेशन में हैं। ऐसे में कौन हो सकता है टीम इंडिया का विकेटकीपर, और इसी पहेली को सुलझाने के लिए भारत के दिनेश कार्तिक की नजर भी विकेटकीपर की जगह पर है। बता दें कि वो पहले से इंग्लैंड में हैं, वो टीम में तो नहीं है पर कमेंटेटर बनकर इंग्लैंड में हैं। कार्तिक ने अपने क्रिकेट किट की फोटो को ट्वीट किया था, इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग भी दिया था जस्ट सेइंग। इस तस्वीर और कैप्शन का अर्थ निकाला जा रहा है कि ऋषभ पंत और साहा की गैर मौजूदगी में बतौर विकेटकीपर कार्तिक भारत के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। फिलहाल टीम में केएल राहुल हैं जो विकेटकीपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर विकेटकीपर नहीं हैं। टीम इंडिया को डरहम में काउंटी चैंपियनशिप 11 के खिलाफ 20 जुलाई से 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से शुरू होगी। इससे पहले टीम इंडिया के दोनों विकेटकीपर्स के क्वारंटाइन होने पर कार्तिक ने ट्वीट किया था। टीम इंडिया जून में ही इंग्लैंड दौरे पर पहुंच गई थी। टीम ने इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली थी, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान कार्तिक ने कमेंट्री में धमाकेदार डेब्यू किया था। वो काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भी संन्यास नहीं लेने वाले। कार्तिक ने टीम इंडिया के लिए 26 टेस्ट मैचों में 1025 रन बनाए हैं, इसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 94 वनडे में कार्तिक ने 1752 रन बनाए हैं, इसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं। 32 टी20 में उन्होंने 399 रन बनाए हैं, 48 उनका हाईएस्ट स्कोर है। हालांकि दिनेश कार्तिक टीम में शामिल नहीं है, लेकिन अगर बीसीसीआई चाहे तो उन्हें बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, और बहुत मुमकिन है कि प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल ही विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।